जो टेस्टिकुलर आर्टरीज होती हैं इनके चारों तरफ एक बंश या कह सकते हैं नेटवर्क बन जाता है टेस्टिकुलर वेन या वेन्यूल्स का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैम्पनी फॉर्म प्लेक्सस बोलते हैं। जो जो ब्लड आ रहा है इसके तरफ, बॉडी से जो ब्लड आएगा वो तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे होगा, और टेस्टिस को कम टेम्परेचर पे ब्लड चाहिए। अगर बॉडी से आ रहा है ब्लड तो उसी टेम्परेचर पे डिलीवर कर दिया जाएगा, इसलिए इसके चारों तरफ जो ब्लड, जो वेन वेन ब्लड लेकर के जा रही है टेस्टिस से बाहर, उसमें ब्लड का टेम्परेचर कम होगा। आर्टरी के चारों तरफ एक नेटवर्क बना दिया जाता है वेन्स का, ताकि यहाँ पे एक काउंटर करंट एक्सचेंज हो सके हीट का, जिसकी वजह से इवन ब्लड का टेम्परेचर भी क्या कर दिया जाता है, लोअर कर दिया जाता है। जो टेस्टिकुलर आर्टरीज ब्लड को लेके जा रही होंगी किधर, टेस्टिस की तरफ। तो ये डार्टोस मसल, स्वेट ग्लैंड्स और टेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस जो है, ये तीनों मिल करके टेम्परेचर रेगुलेशन या थर्मो रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करेंगी, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से क्या हो सकता है, स्क्रोटल सैक के अंदर या स्क्रोटम के अंदर स्लाइटली कह सकते हैं 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कोर बॉडी या नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से क्या रहता है, टेम्परेचर लोअर रहता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी दो बातें आपको समझ में आ गई। अब ये समझिए कि ये जो स्क्रोटल सैक है, ये जो स्क्रोटल सैक है एक्सटेंशन है एब्डोमिनल कैविटी का, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें यहाँ पे बीचों बीच एक लॉन्गिट्यूडनल सेप्टम, यहाँ पे बीचों बीच एक लॉन्गिट्यूडनल सेप्टम, या कह सकते हैं एक ग्रूव प्रेजेंट होता है, एक ग्रूव प्रेजेंट होता है लॉन्गिट्यूडनल सेप्टम या ग्रूव प्रेजेंट होता है। और ये लॉन्गिट्यूडनल सेप्टम या ग्रूव इस चैम्बर को दो कंपार्टमेंट में, यानी कि यहाँ पे पार्टिसिपेशन स्टार्ट कर दिया, ये पार्टीशन डालना शुरू कर दिया। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, इस लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव को हम लोग बोलते हैं मीडियन रैफे, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम स्क्रोटाई। तो मैंने आपको बताया कि ये स्क्रोटल सैक है, यहां पे एक लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा प्रेजेंट है जो कि इस पूरे चैंबर में पार्टीशन बना रहा है, और इसको दो चैंबर्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और इस लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप या सेप्टा को हमने क्या बोला, मीडियन रैफे या फिर सेप्टम स्क्रोटाई। और इसके प्रेजेंस की वजह से ये स्क्रोटल सैक जो है ये दो चैंबर्स में डिवाइड हो गया, ये हो गया आपका राइट स्क्रोटल सैक और ये हो गया लेफ्ट स्क्रोटल सैक, एंड लेफ्ट स्क्रोटल सैक स्लाइटली हैंग्स डाउन देन राइट वन, ये थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया कि इसमें आप स्ट्रक्चर में बहुत साफ तरीके से देख सकते हैं, ये हो गया राइट स्क्रोटल सैक और ये हो गया लेफ्ट स्क्रोटल सैक। मैंने आपको बताया कि लेफ्ट स्क्रोटल सैक स्लाइटली हैंग्स डाउन देन राइट वन, राइट से ये थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होता है। और इन दोनों स्क्रोटल सैक के अंदर, इन दोनों स्क्रोटल सैक के अंदर यहां पे प्रेजेंट होगा एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर इसमें, और एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर इसमें, और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल पाते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिस अगर एक है तो, और टेस्टिस बोलेंगे अगर क्या है, दो है, टेस्टिस एक के लिए, प्लूरल के लिए क्या हम लोग बोलेंगे, टेस्टिस। तो जो टेस्टिस है, जो मेल गोनेड है, ये प्रेजेंट होगा इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में, यानी कि इस पाउच में, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक। एक राइट टेस्टिस होगी, एक लेफ्ट टेस्टिस होगी, लेफ्ट टेस्टिस स्लाइटली हैंग करेगी डाउन देन राइट वन, राइट टेस्टिस से थोड़ा सा नीचे होगी क्योंकि ये स्क्रोटल सैक, लेफ्ट वाला क्या है, थोड़ा सा हैंग कर रहा है बिलो देन राइट स्क्रोटल सैक। तो इनफैक्ट हमें ये समझ में आ गया कि टेस्टिस जो है ये प्रेजेंट होंगी कहां पे, स्क्रोटल सैक के अंदर। लेकिन ये बनती हैं एब्डोमेन में, बनती कहां पे हैं, ये एब्डोमेन में। तो फिर ध्यान से समझिए इसको, मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ एक्सटेंशन आउट पाउच ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम बोल रहे हैं। लेकिन टेस्टिस डेवलप होती हैं कहां पे, एब्डोमेन में, एब्डोमेन में। इवन ये बन जाती हैं, ये बनना स्टार्ट हो जाती है इंट्रा यूटराइन लाइफ में, मदर के यूट्रस के अंदर अगर मेल बेबी डेवलप हो रहा है तो प्रेगनेंसी के दूसरे मंथ के ऑलमोस्ट लास्ट में, आखिरी में, सेकेंड मंथ जब खत्म होने को होगा, या कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी के 7वें 8वें वीक में ये टेस्टिस बन जाती हैं कहां पे, एब्डोमेन में। सपोज ये एक टेस्टिस बन गई कहां पे, एब्डोमेन में। सपोज ये एक टेस्टिस बन गई कहां पे, एब्डोमेन में। ये बनती है नियर द किडनीज, किडनी के पास बनती हैं, ध्यान से समझिए इसको। मैंने आपको बताया कि टेस्टिस प्रेजेंट है स्क्रोटल सैक में, टेस्टिस प्रेजेंट है कहां पे, स्क्रोटल सैक में, लेकिन बनती कहां पे है, एब्डोमेन में, एब्डोमिनल कैविटी में।
कब बन जाती है? मैंने बोला इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, जब ये मेल, जब ये बॉय कहां पे है, अपनी मदर के यूट्रस में है, तो प्रेगनेंसी के सातवें आठवें वीक में या कह लीजिए कि दूसरे मंथ के आखिरी में ये टेस्टिस पूरी तरीके से क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, बन जाती है। कहां पे? एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिन में नियर द किडनीज, किडनीज के पास डेवलप हो जाती है। और ये थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के तीसरे मंथ में थोड़ा थोड़ा स्मॉल अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। ध्यान से समझिए, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन प्रोड्यूस होना शुरू होता है आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं अभी कि थोड़ा थोड़ा एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन बनने लगते हैं, सिंथेसाइज होने लगते हैं इवन इन इंट्रा यूटराइन लाइफ ऑफ मेल बेबी। जब ये मदर के यूटरस में होता है तभी इसकी जो फीटल टेस्टिस है इसमें भी थोड़ा अमाउंट में क्या प्रोड्यूस होने लगता है, मेल सेक्स हार्मोन। और ये ट्रिगर कॉज करता है, एक स्टिमुलस देता है कि भाई टेस्टिस तुम जाओ नीचे, किसमें? स्क्रोटल सैक में। फिर ये पूछता है क्यों जाऊं भाई मैं, फिर क्यों जाऊं का मतलब ये है कि तुम जब नीचे जाओगे तो इस चैम्बर में तुमको मिलेगा टेम्परेचर थोड़ा सा कम, जो कि तुम्हारे फंक्शनिंग के लिए प्राइम रिक्वायरमेंट है, तुम्हारी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये टेस्टिस जो है नीचे आना शुरू हो जाता है। मैंने आपको बताया कि ये थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में डिसेंट होना शुरू हो जाता है, नीचे खिसकना शुरू हो जाता है, और ऑलमोस्ट सातवें आठवें महीने में प्रेगनेंसी के ये इस स्क्रोटल सैक के अंदर आ जाता है। तो दो बातें मैंने आपको बताई, फिर समझिए, फिर मैं बोल रहा हूं, धीरे धीरे समझिए इसको। मैंने आपको बताया कि टेस्टिस प्रेजेंट होगी स्क्रोटम में, लेकिन बनेगी कहां पे? एब्डोमेन में। कब बन जाएगी? इस लड़के के इंट्रा यूटराइन लाइफ में ही, जब ये मदर यूटरस के अंदर डेवलप हो रहा होगा तभी। और बन जाएंगी ये, कंप्लीटली बन जाएंगे ये प्रेगनेंसी के दूसरे मंथ के लास्ट में, यानी कि सातवें आठवें वीक में, और तीसरे मंथ में ये खिसकना शुरू हो जाएंगी, डिसेंट होना शुरू हो जाएंगी। और सातवें आठवें मंथ में ये पहुंच जाएंगी कहां पे? डिसेंट हो जाएंगी कहां पे? कंप्लीटली इनटू द एक्सटेंशन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, या कह सकते हैं इनटू द स्क्रोटल सैक और स्क्रोटम। तो सातवें आठवें वीक में बन जाएंगी और सातवें आठवें महीने में ये डिसेंट होकर के कहां पे आ जाएंगी? स्क्रोटम में आ जाएंगी। अब आप ये समझिए कि जब ये नीचे की तरफ खिसकेगी तो आपको समझ आ रहा होगा, इट विल कार्व अ पाथ, ये क्या बनाएगा? एक रास्ता बनाएगा। सिमिलरली ये भी क्या बनाएगा? एक इस तरीके से रास्ता बनाएगा। तो सपोज एब्डोमिन में यहां तो मैं ज्यादा ऊपर कर दिया, थोड़ा ऐसे गए वो, एब्डोमिन में यहां पे एक स्ट्रक्चर है, ये नीचे की तरफ क्या हो रहा है? डिसेंट हो रहा है, नीचे की तरफ डिसेंट हो रहा है। तो जब ये नीचे खिसकेगा तो ये एक रास्ता खोदेगा, एक रास्ता बनाएगा अपने लिए, ये एक रास्ता बनाएगा अपने लिए, यानी एक कैनाल का फॉर्मेशन करेगा। और इस कैनाल को हम लोग बोलते हैं इंग्विनल कैनाल, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्विनल कैनाल। तो टेस्टिस फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी डिसेंड इनटू द स्क्रोटल सैक थ्रू द इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल के थ्रू क्या होगा? ये टेस्टिस डिसेंड करेगा किसमें? स्क्रोटल सैक में। कहां से? एब्डोमिन में। अगर हम इस इंग्विनल कैनाल के, यानी कि ये जो एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसमें से ये टेस्टिस जो है ये डिसेंड कर रही है एब्डोमेन से स्क्रोटल सैक में। अगर हम इस इंग्विनल कैनाल के कंटेंट की बात करें तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये टेस्टिस से इसके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन या गैमेट बनेंगे, सेल डिवीजन होगा, तो इसको एनर्जी चाहिए, यानी इसको फूड और ऑक्सीजन चाहिए। तो एक आर्टरी की ब्रांच यहां पे ब्लड लेकर के आएगी, यानी कि इसमें एक क्या होनी चाहिए? टेस्टिकुलर आर्टरी होनी चाहिए। और अगर ये फंक्शन करेगा तो कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि ब्लड के थ्रू यहाँ पे वेस्ट को हमें बाहर भी निकालना है, यानी कि इसमें एक और सप्लाई होगी जिसको हम लोग बोलेंगे टेस्टिकुलर वेन। और सेंसेशन के लिए, स्टिमुलस को सेंस करने के लिए और उसके टुवर्ड रिस्पॉन्स करने के लिए यहाँ पे नर्व सप्लाई भी होगी। दो इंपॉर्टेंट नर्व की यहाँ पे क्या होती है? सप्लाई होती है इलियो इंग्यूनल और जेनाइटो फ्यूमोरल नर्व का नाम होता है, आपको नहीं याद रखना है। तो यानी कि यहाँ पे क्या होंगी? टेस्टिकुलर नर्व्स होंगी।
और यहाँ पे जो गैमेट्स बनेंगे इनको बाहर लेके जाना है इस स्क्रोटल से, क्या कह सकते हैं, टेस्टिस से, क्योंकि इंसेमिनेट करना है इसको। तो यहाँ पे एक डक्ट सिस्टम होगा, एक यहाँ पे क्या होगा, डक्ट सिस्टम होगा, जो कि यहाँ पे बन रहे स्पर्म को या गैमेट को बाहर लेकर के जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि जब ये टेस्टिस नीचे क्या होगी, डिसेंट होगी, तो इसके साथ साथ चार इंपॉर्टेंट कुछ सप्लाईज भी इससे अटैच होंगी, जो वो भी क्या आ जाएंगी, नीचे की तरफ आती हुई दिखाई देंगी, यानी कि इंग्विनल कैनाल का क्या हो जाएगा, कंटेंट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ब्लड की सप्लाई आनी चाहिए यहाँ पे टेस्टिकुलर आर्टरी, और एक ब्लड की सप्लाई यहाँ से जानी चाहिए टेस्टिकुलर वेन, और यहाँ पे नर्स होनी चाहिए जो कि सेंसेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, स्टिमुलस को सेंस करने के लिए और उसके टूवर्ड रिस्पॉन्स अपडेट करने के लिए। हमने आपको बताया कि दो इंपॉर्टेंट नर्व्स का यहाँ पे क्या होता है, एसोसिएशन होता है, जैसे कि इलियो इंग्यूनल नर्व और जेनाइटोफिमोरल नर्व, आपको नाम बिल्कुल नहीं याद रखना है। और एक और यहाँ पे सप्लाई होगी, लिम्फेटिक्स वगैरह की भी सप्लाई होगी, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट सप्लाईज बता रहा हूँ आपको। एक और यहाँ पे सप्लाई होगी जो टेस्टिस के अंदर गैमेट प्रोड्यूस होंगे इसको उनको बाहर लेकर के जाएगी, यानी कि यहाँ पे डक्ट सिस्टम होगा, डक्ट सिस्टम को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये चार इंपॉर्टेंट, टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन, टेस्टिकुलर नर्व्स और डक्ट सिस्टम प्रेजेंट होगी किसमें, इस इंग्विनल कैनाल के अंदर, इंग्विनल कैनाल के अंदर। और ये चारों की चारों जो सप्लाई है, इनके चारों तरफ यहाँ पे इस तरीके से एक कवरिंग बन जाएगी, यानी कि ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और इस कॉर्ड को हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटिड कॉर्ड। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऊपर एक बल्ब लगा है, उसको पकड़ करके हम खींच ले रहे हैं, अगर नीचे, तो उस बल्ब में जितने तार लगे होंगे, वायर्स लगेंगे, वो भी क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो इस सीलिंग में छत में एक बल्ब लगा है, वो है टेस्टिस, एब्डोमेन है वो, और इसको हम खींच रहे हैं स्क्रोटल सैक के अंदर। तो उस बल्ब में, टेस्टिस में जो तार लगे हैं वो क्या है, सप्लाईज है, वो भी आ जाएंगी नीचे, और नीचे किस रास्ते से आएंगे, जिस रास्ते से टेस्टिस आएगा। तो यानी कि इंग्विनल कैनाल से जब टेस्टिस को हम नीचे खींचेंगे, तो उसके सारे के सारे सप्लाई भी क्या हो जाएंगे, उसके साथ आ जाएंगे किधर, स्क्रोटल सैक में। अब मुझे लग रहा है कि इस एग्जांपल से आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा कि इंग्विनल कैनाल में स्पर्मेटिड कार्ड कैसे अरेंज होगी। तो ये जो चार इंपॉर्टेंट सप्लाई हैं, जब इस छत में बल्ब था तो उसमें जो तार लगे हुए थे, तो बल्ब को हम खींच रहे हैं नीचे इस कमरे के अंदर, ये कमरा क्या है, स्क्रोटल सैक है या स्क्रोटम है, बल्ब क्या है, टेस्टिस है, और उससे लगे तार उनकी डिफरेंट सप्लाईज हैं, टेस्टिकुलर आर्टरीज, टेस्टिकुलर वेन्स, टेस्टिकुलर नर्व्स और डक्ट सिस्टम, वो भी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और जब ये चारों तार नीचे आएंगे, इसके चारों तरफ अगर हम रुमाल लपेट दें, तो ये एक बंडल या कार्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसी बंडल या कार्ड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटिड कार्ड, और ये कैनाल में प्रेजेंट होगा, और कैनाल को क्या हम बोल रहे हैं, जिस रास्ते से क्या आ रही है, टेस्टिस नीचे आ रही है एब्डोमेन से स्क्रोटल सैक में, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंग्विनल कैनाल बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी आपको, अब ये समझ लीजिए, इफ टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड, अगर टेस्टिस जो है ये डिसेंड ना हो पाए, नीचे ना आ पाए किसी कारणवश, सपोज आप डॉक्टर बन गए, आपकी एक अच्छी खासी हॉस्पिटल है, उसमें किसी एक मेल बेबी का बर्थ हुआ, कोई मेल बेबी जो है उसका जन्म हुआ, वो पैदा हुआ, तो आपने चेक किया, या फिर जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं उनको भी पता चल जाता है, सपोज जब आपने चेक किया तो उसके स्क्रोटल सैक में टेस्टिस नहीं थे, उसके स्क्रोटल सैक में टेस्टिस नहीं होगी, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इंट्रायूटराइन लाइफ में ही 7वें-8वें महीने प्रेगनेंसी के ही क्या आ जानी चाहिए, टेस्टिस नीचे आ जानी चाहिए, और पैदा होने के बाद आपने चेक किया कि इस मेल बेबी के स्क्रोटम में क्या नहीं है, टेस्टिस नहीं है, यानी दिस इज कंडीशन इन विच टेस्टिस फेल्स टू डिसेंट, टेस्टिस नीचे नहीं आ पाई, एक नहीं आ सकती है या दोनों नहीं आ सकती है, दोनों ही कंडीशन देखी जाती है, बड़ी नॉर्मल सी कंडीशन है, तो तुरंत आपको पता चल गया कि भाई ये प्रॉब्लम है। या फिर आप डॉक्टर हैं, आपके हॉस्पिटल में कोई एक बच्चा आता है, एंड यू केम टू नो कि इसको क्या है, प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि इसकी टेस्टिस जो है वो डिसेंट नहीं कर पाई है, कहाँ पे, स्क्रोटल सैक में, एब्डोमेन कैविटी से, या तो एब्डोमेन में ही रह गई है, या फिर इंग्विनल कैनाल में कहीं पे रह गई है, यानी पूरी तरीके से ये स्क्रोटल सैक में नहीं आ पाई है। तो तुरंत कॉज आपको पता चल जाएगा, कॉज क्या है इसका, मैंने आपको बताया था कि ये नीचे आना शुरू इसलिए होती है क्योंकि थोड़ा थोड़ा अमाउंट में क्या रिलीज होना शुरू हो जाता है इंट्रायूटराइन लाइफ में, जो फीटल टेस्टिस है उससे टेस्टोस्टेरोन रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो अगर इन अप्रोप्रिएट, या कह सकते हैं कि एनी एडिक्वेट अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, एडिक्वेट या अप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं बन पा रहा है, तो हो सकता है इस कारण की वजह से ना आ पा रहा हो। मैंने आपको बताया कि दो रीजन हो सकते हैं टेस्टिस के नहीं डिसेंट हो पाने के, टेस्टिस अगर डिसेंट होने में फेल हो जा रही है, डिसेंट नहीं हो पा रही है प्रॉपर टाइम पे स्क्रोटल सैक के अंदर, तो इसके दो मेन कॉज हो सकते हैं, या तो अप्रोप्रिएट अमाउंट में, एडिक्वेट अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन नहीं बना होगा इंट्रायूटराइन लाइफ में इस
फीटल टेस्टिस से, बच्चे के टेस्टिस से, या फिर इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ होगा इंग्विनल कैनाल का, ये जो कैनाल है कहीं पे ब्लॉकेज हो गया होगा, या फिर कह सकते हैं अच्छी तरीके से ये रास्ता नहीं बना पाई होगी, तब कैनाल के अंदर ही फंस गई होगी। तो ये दो मेन कॉज हो सकते हैं। तो आप पहले कॉज को पहले ट्रीट करेंगे, इसको इंजेक्टिबल एंड्रोजेन देंगे, इंजेक्टिबल टेस्टोस्टेरोन देंगे, और इसको आश्वस्त करेंगे, अश्योर करेंगे कि बेटा कुछ दिन रुक जा, तो 6 महीने तक लगभग तेरी टेस्टिस नीचे आ जाएगी, स्क्रोटल सैक में टेस्टिस नीचे आ जाएगी। और अगर फिर भी इतने दिनों में, ये सारी चीजें आप प्यूबर्टी के पहले करेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी इसकी पूरी जिंदगी में। तो अगर नहीं आ पा रही तो तुरंत इसको आप रिफर कर देंगे एक प्लास्टिक सर्जन के पास, और प्लास्टिक सर्जन विल कार्व अ पाथ, ये पाथ बनाएगा और सर्जिकली इस टेस्टिस को नीचे लेकर के आएगा, तो दो बातें मैंने आपको बताया, दो बातें कौन कौन सी, अगर ये टेस्टिस, यहां पे मैं लिख रहा हूं ध्यान से समझिए, अगर ये टेस्टिस नीचे नहीं आ पाई, इफ टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे क्रिप्टोऑर्किडिज्म। तो पहली चीज तो ये आप समझिए कि टेस्टिस नीचे नहीं आ पाएगी तो कंडीशन या प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे, क्रिप्टोऑर्किडिज्म बोलेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप ये समझिए कि इसको करेक्ट करने के लिए सर्जरी परफॉर्म्ड टू करेक्ट द क्रिप्टोऑर्किडिज्म इज कॉल्ड एज ऑर्किडो या ऑर्कियोपेक्सी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्किडो या ऑर्कियोपेक्सी। तो दो बातें मैंने आपको बताई कि अगर किसी बेबी का जन्म हुआ है, मेल बेबी का जन्म हुआ है, उसमें टेस्टिस अगर स्क्रोटल सैक में नहीं है, या फिर अगर कोई बेबी है या कोई बच्चा है आपको बताता है एंड यू केम टू नो कि इसको क्रिप्टोऑर्किडिज्म है, तो इसको ट्रीट करेंगे आप लोग इंजेक्टिबल एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन देकर के, या फिर प्लास्टिक सर्जन जो होगा इसको सर्जिकली लेकर के आएगा कहां पे, स्क्रोटल सैक के अंदर। तो इफ टेस्टिस फेल्स टू डिसेंट इन द स्क्रोटल सैक, कंडीशन को बोलेंगे क्रिप्टोऑर्किडिज्म। अगर टेस्टिस जो है ये एब्डोमेन से स्क्रोटल सैक में नहीं आ पा रही है या नहीं आई है, तो कंडीशन को हम लोग बोलेंगे क्रिप्टोऑर्किडिज्म। यूनिलैटरल और बाइलैटरल हो सकती है, अगर एक टेस्टिस नहीं आ पाई है तो यूनिलैटरल क्रिप्टोऑर्किडिज्म बोलेंगे, अगर दोनों नहीं आ पाई है उसको हम बाइलैटरल क्रिप्टोऑर्किडिज्म बोलेंगे। कम से कम आपको क्रिप्टोऑर्किडिज्म याद रखना है, दिस इज कंडीशन इन विच टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड इन स्क्रोटल सैक, और इसको हम लोग सर्जिकली ट्रीट करेंगे या करेक्ट करेंगे, और उस सर्जरी का नाम क्या है, ऑर्किडोपैक्सी। और जब आप सर्जिकली इसको करेक्ट कर रहे होंगे तो हो सकता है इंग्विनल कैनाल के थ्रू एब्डोमिनल कंटेंट इंग्विनल कैनाल के थ्रू स्क्रोटल सैक में आ जाए। ध्यान से सुनिए, आप अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, क्रिप्टोऑर्किडिज्म को ट्रीट कर रहे हैं थ्रू द प्रोसेस और सर्जरी ऑफ ऑर्किडोपैक्सी। अब एब्डोमिन से लेकर के आ रहे हैं, एक रास्ता बना रहे हैं आप, इंग्विनल कैनाल बना रहे हैं आप, एक रास्ता बना रहे हैं आप कि उसके थ्रू हम टेस्टिस को लेकर के आ रहे हैं नीचे, उस सर्जरी को क्या बोल रहे हैं, ऑर्किडोपैक्सी। अब हो सकता है इस रास्ते के थ्रू एब्डोमिन से इंटेस्टाइन या जो बाउल का लूप है इसकी फोल्डिंग भी क्या हो जाएगी, अंदर चली जाएगी इंग्विनल कैनाल के रास्ते से कहां पे, स्क्रोटल सैक में। तो कंडीशन को बोलते हैं इंग्विनल हर्निया। जैसे कि अम्बिलिकस से कुछ बाउल इनफोल्ड बाहर आ जाए तो उसको अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं, इसी तरीके से फीमुरल हर्निया होती है। लेकिन अभी हमको ये याद रखना है कि अगर इंटेस्टाइन या कह सकते हैं बाउल फोल्ड या एब्डोमिनल कंटेंट भी इंग्विनल कैनाल से स्क्रोटल सैक के अंदर आ जा रहा है, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलेंगे, इंग्विनल हर्निया। तो बेसिक कुछ बातें हमें समझ में आ गई कि टेस्टिस जो है ये एब्डोमेन में बनती है, 7th-8th month में बन जाती है, और 7th-8th week में बन जाती है, 7th-8th month में ये डिसेंट हो जाती है कहां पे, स्क्रोटल सैक के अंदर, किसके थ्रू, इंग्विनल कैनाल के थ्रू। अगर नहीं आ पाएगी तो कंडीशन को बोलेंगे क्रिप्टोऑर्किडिज्म, और इसको करेक्ट करेंगे विद द सर्जरी, उस सर्जरी का नाम क्या है, ऑर्किडोपैक्सी। और आपको इंग्विनल हर्निया भी समझ आ गई। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं, कुछ मैमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें थ्रू आउट द लाइफ कभी भी टेस्टिस डिसेंड नहीं करती है इनटू द स्क्रोटल सैक। जैसे कि जो ओविपैरस मैमल्स होते हैं, एक लेइंग मैमल्स होते हैं, प्रोटोथीरियंस, जैसे कि एलिफेंट्स की बात कर लीजिए, वेल्स की बात कर लीजिए, डॉल्फिन्स की बात कर लीजिए, तो इनके बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी कम होता है, इसलिए इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेस्टिस को स्क्रोटल सैक में आने की कोई जरूरत नहीं होती। इनफैक्ट डॉल्फिन वगैरह में स्क्रोटल सैक वेल वगैरह में एब्सेंट होता है कंप्लीटली। या फिर जो रोडेंट्स होते हैं, रैट्स, चूहे, इनकी
टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रोटम में आती है ओनली ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। जब ये क्वाइटस करते हैं मेल विद द फीमेल रैट और रोडेंट्स, तो उस टाइम पे ही सिर्फ क्या होता है, टेस्टिस डिसेंड करता है फ्रॉम द एब्डोमेन टू द स्क्रोटल सैक। बाकी टाइम पे ये कहां पे रहता है, एब्डोमेन में ही रहता है। तो ये कुछ क्या है एक्सेप्शंस हैं, लेकिन हमने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, बट देयर आर सम सॉर्ट ऑफ अदर मैमल्स एज वेल जिनमें टेस्टिस जो है ये इंट्रा एब्डोमिनल भी होती है। मैंने आपको एग्जांपल बता दिया और ये दो बातें भी आपको समझ आ गई होंगी। अब एक छोटी सी बात और समझिए कि ये जो टेस्टिस है लेफ्ट और राइट स्क्रोटल सैक के अंदर, जो लेफ्ट और राइट टेस्टिस प्रेजेंट है, तो इसके लिए आप ये समझिए कि अब ये टेस्टिस इस सैक के अंदर प्रेजेंट है, हो सकता है अब यहां पे एक कॉर्ड भी प्रेजेंट है जो सप्लाई लेकर के आ रही है। तो ये एक कॉर्ड है, स्पर्मेटिक कॉर्ड, और उसके थ्रू ये हैंग कर रही है एब्डोमेन से, क्योंकि इंग्विनल कैनाल एक कम्युनिकेशन है जो कि स्क्रोटल सैक को कम्युनिकेट करेगा विद द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि इंग्विनल कैनाल स्क्रोटल सैक को एब्डोमेन से जोड़ेगी, एब्डोमिनल कैविटी से जोड़ेगी, और स्पर्मेटिक कॉर्ड जो इंग्विनल कैनाल से जा रही है, टेस्टिस से बाहर निकल रही है, इट गोस अप इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, ऊपर की तरफ जाएगी और ये डॉर्सल बॉडी वॉल से जाकर के चिपक जाएगी, पास होगी यूरिनरी बडर के थ्रू। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब डक्ट सिस्टम पढ़ेंगे। तो यानी कि ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है ये टेस्टिस को या स्क्रोटल सैक को कनेक्ट कर रही है डॉर्सल बॉडी वॉल से। तो हो सकता है ये जो टेस्टिस है स्पर्मेटिक कॉर्ड की वजह से के थ्रू ये जो हैंग कर रही है यहां पे, हो सकता है ये क्लॉक या एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कर जाए। अरे बड़ी सिंपल सी बात है ना भाई, ये बल्ब जो हमने खींच रखा है नीचे, जो छत में बल्ब था उसको हमने खींच रखा है नीचे, तार के थ्रू आ रहा है, तार स्पर्मेटिक कॉर्ड ही, और जो बल्ब है इसको हम बोल रहे हैं टेस्टिस, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं टेस्टिस। हो सकता है ये क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, और अगर घूम जाएगा तो तार इसके ऊपर क्या हो जाएगा, रैप हो जाएगा, लपेट उठेगा, टूटने के भी चांसेस हैं, क्योंकि स्पर्मेटिक कॉर्ड की अपनी क्या होगी, लेंथ होगी। अगर टेस्टिस क्या हो जा रही है, रोटेट कर जा रही है, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है। तो इस टेस्टिस को एक पर्टिकुलर लोकेशन में स्क्रोटल सैक के अंदर फिक्स रखने की जरूरत पड़ेगी, इसकी पोजीशन को हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। तो एक बेसिक बात आप समझ लीजिए कि हम लोग जब बॉडी को कट करते हैं, जैसा कि सीटी स्कैन में करते हैं, तो बॉडी को हम अगर यहां से कट कर दिए इस तरीके से, और सपोज ये कोई बॉडी का ऑर्गन है, तो इस बॉडी के चारों तरफ बॉडी कैविटी से यहां पे जस्ट बॉडी वॉल से एक लेयर प्रेजेंट होती है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियम, और ये पूरी पेरिटोनियम इस तरीके से इनफोल्डिंग बनाती है और हर एक ऑर्गन के चारों तरफ इस तरीके से रैप हो जाती है, लपेट उठती है, और इस इनफोल्डिंग, ये हमने बताया कि ये ब्लैक वाली क्या है, बॉडी वॉल। जब हमने बॉडी को यहां से कट किया तो अगर हम इस सेक्शन से देखेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन से, तो हमको इस तरीके से दिखाई देगा, ये ब्लैक वाली क्या हो गई, बॉडी वॉल हो गई, और बॉडी वॉल के जस्ट नीचे यहां पे लेयर है, लाइनिंग है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेरिटोनियम। पेरिटोनियम जो है इनफोल्डिंग्स बनाती है और हर एक ऑर्गन के चारों तरफ इस तरीके से लपेट लेती है, उसको रैप कर लेती है और उसको सस्पेंड करती है, फिक्स रखती है एक पर्टिकुलर लोकेशन में। जैसे स्टमक है तो वो अपनी जगह पर रहता है, घूमता रहता है बॉडी के अंदर, किडनी है वो अपनी जगह पर रहता है, इंटेस्टाइन है वो अपनी जगह पे रहता है, पैनिक कुछ भी हो गया बॉडी के अंदर, वो अपने फिक्स लोकेशन पे प्रेजेंट है। तो ये फिक्स लोकेशन पे इस तरीके से एसोसिएट होता है या प्रेजेंट होता है कि ये जो पेरिटोनियम है इसको सस्पेंड करती है बॉडी कैविटी के अंदर, इस इनफोल्डिंग की वजह से। अब समझ लीजिए ये ब्लैक वाला जो है ये टेस्टिस है, तो इस इनफोल्डिंग को हम लोग बोलेंगे मिजॉर्कियम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिजॉर्कियम। तो जब ये बॉडी से नीचे आएगा, कैविटी से नीचे आएगा, तो इस तरीके से मिजॉर्कियम जो है इसके चारों तरफ इस तरीके से क्या होगा, वो भी नीछे आ जाएगा। सपोज करिए छत में जब हमने बल्ब को खींचा तो छत पे एक पन्नी लगी हुई होगी, तो बल्ब को खींचेगी तो पन्नी भी नीचे आ जाएगी। वो पन्नी क्या है, वो पॉलीथीन क्या है, छत पे जब लपेटी हुई थी तो उसको हम लोग पेरिटोनियम बोल रहे हैं। अब जब इनफोल्डिंग बन गई, जब ये हैंग कर रहा है बल्ब को, तो उसकी वजह से बल्ब एक जगह पे फिक्स रह सकता है, रोटेट नहीं करेगा, तार टूटने का खतरा खत्म हो जाएगा। अगर वो बल्ब टेस्टिस है तो इस इनफोल्डिंग को पेरिटोनियम की हम लोग क्या बोलेंगे, मिजॉर्कियम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिजॉर्कियम, इसको हम लोग बोलेंगे मिजॉर्कियम। और यहां पे कुछ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो इस टेस्टिस को स्क्रोटल सैक की वॉल से एसोसिएट रखते हैं। मैंने आपको बताया कि इस टेस्टिस को ये जो टेस्टिस है इसको
स्क्रोटल सैक की वॉल से, स्क्रोटम की वॉल से उस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जोड़े रखते हैं, फिक्स रखते हैं, और इस कनेक्टिव टिश्यू को, इस कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग बोलते हैं ग्यूबरनाकुलम, ग्यूबरनाकुलम। तो मेसेंकियम और ग्यूबरनाकुलम जो है ये फिक्स्ड रखते हैं, टेस्टिस की पोजीशन को फिक्स्ड रखते हैं, उसको सस्पेंड करते हैं एक प्रॉपर प्लेस पे, ताकि ये रोटेट ना हो जाए और ताकि स्पर्मेटिक कॉर्ड के ब्रेक होने का, डैमेज होने का जो खतरा है वो खत्म हो जाए, कम हो जाए। समझ आ गया आपको? तो यहाँ पे टेस्टिस को जोड़े रखेगा ग्यूबरनाकुलम, जो कि कनेक्टिव टिश्यू है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, और ये आपको मेसेंकियम समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप एक चीज देखिए ध्यान से, कुछ बेस टर्म आप हमेशा याद रखने की कोशिश किया करिए। आर्काई, जैसे हम न्यूक्लियस के लिए कैरियन, साइटोप्लाज्म सेल के लिए साइटो, और बोन के लिए ऑस्टियो, कार्टिलेज के लिए कॉन्ड्रो। तो इस तरीके से ये सारे क्या है, बेस टर्म्स हैं। तो इसी तरीके से हम लोग टेस्टिस के लिए टर्म यूज करते हैं, बेस टर्म या बेस वर्ड जो टेस्टिस के लिए है वो क्या है, ऑर्काई, ओ आर सी एच आई। तो जहां पे ऑर्काई टर्म है, तुरंत आप समझ जाइए कि ये टेस्टिस से एसोसिएटेड है। जैसे कि क्रिप्टोऑर्किडिज्म, यहां पे भी ऑर्काई आ रहा है, ऑर्किडोपैक्सी, यहां पे भी क्या आ रहा है, ऑर्काई आ रहा है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर दो से ज्यादा टेस्टिस होगी तो पॉली और ऑर्किडिज्म बोलेंगे, ऑर्काई आ रहा है, एक होगी तो मोनो ऑर्किडिज्म बोलेंगे। इसी तरीके से ऑर्काई, कहीं पे अगर ऑर्काइटिस लिखा है तो आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, तुरंत आप समझ जाएंगे कि टेस्टिस में स्वेलिंग है, टेस्टिस में क्या है, स्वेलिंग है। तो हमेशा अपने कॉन्सेप्ट को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए आप बेस वर्ड को ढूंढा करिए, उसको कैच करने की कोशिश किया करिए कि कौन सा बेस वर्ड या टर्म यूज हो रहा है बार बार, इसका मतलब ये इस स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड है। तो ऑर्काई, जो ऑर्काई वर्ड है या बेस वर्ड है, ये हमेशा टेस्टिस के लिए क्या होता है, यूज किया जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्यूबरनाकुलम, जो टेस्टिस को एसोसिएट रख रहा है, जोड़े रख रहा है किससे, स्क्रोटम की वॉल से। कभी कभी क्या होता है, जो क्रिकेटर्स होते हैं उनके स्क्रोटल सैक में या स्क्रोटम में तेज बॉल लग जाने की वजह से ये ग्यूबरनाकुलम जो है ये ब्रेक हो जाता है, रैप्चर हो जाता है, टूट जाता है। तो इमरजेंसी में सर्जिकली इस टेस्टिस को बाहर निकालना पड़ता है, डॉक्टर्स तुरंत इसको बाहर निकाल देते हैं, और इस सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस को, इस सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस को हम लोग बोलते हैं ऑर्की डेक्टोमी, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्की डेक्टोमी। फिर यहां पे देखिए ध्यान से, ऑर्काई टर्म आया। तो हमेशा आप समझ लीजिए कि टेस्टिस के लिए कौन सा बेस टर्म यूज किया जाता है, ऑर्काई, ऑर्काई। तो अगर हमने आपको बताया कि ग्यूबरनाकुलम ब्रेक हो गया, तो अब स्पर्मेट, अगर टेस्टिस घूम गई, रोटेट हो गई, तो स्पर्मेटिड उसके चारों तरफ लिपट जाएगा, स्पर्मेटिड कार्ड जो है वो टूट सकता है। तो सर्जिकली इमरजेंसी में डॉक्टर्स जो होते हैं वो तुरंत क्या कर देते हैं, इस टेस्टिस को रिमूव कर देते हैं, और सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस के लिए हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं ऑर्किडेक्टोमी, ऑर्किडेक्टोमी। और इसी से मिलता जुलता एक और टर्म मैं आपको बता रहा हूं, कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन एक जनरल टर्म हो गया, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस एज वेल एज ओवरी ऑल्सो। लेकिन हम लोग जो प्रिसाइजली या जो स्पेसिफिक टर्म यूज कर रहे हैं सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस के लिए, वो क्या है, ऑर्किडेक्टमी है, ऑर्किडेक्टमी है। अगर हम सर्जिकली टेस्टिस को रिमूव कर रहे हैं तो इसके लिए हम लोग प्रिसाइज्ड वर्ड या फिर टेक्निकल वर्ड क्या यूज करेंगे, स्पेसिफाइड टर्म क्या यूज करेंगे, ऑर्किडेक्टमी। लेकिन टेस्टिस और ओवरी दोनों के सर्जिकल रिमूवल के लिए एक जनरल टर्म यूज किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैस्ट्रेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैस्ट्रेशन। ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कैस्ट्रेशन में भी सर्जिकली क्या कर दिया जाता है, टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है। आप लोग दो एग्जांपल देखे होंगे, बुल और ऑक्स। तो इसमें ये सिर्फ क्या होता है, डिफरेंस होता है कि जो बुल है, जिसको हम लोग सांड बोलते हैं हिंदी में, ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, बिकॉज ऑफ हाई कंटेंट ऑफ सेक्स हार्मोन। तो ज्यादा अगर क्या होगा, एंड्रोजन होगा। तो एंड्रोजन अभी मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है, जैसे कि एग्रेसिवनेस, ज्यादा गुस्सा आता है इसमें। तो मेल के अंदर वैसे भी लड़कों में लड़कियों से ज्यादा गुस्सा होता है, एग्रेसिवनेस ज्यादा होता है, उसका कॉज क्या है, टेस्टोस्टेरोन या मेल सेक्स हार्मोन। तो एंड्रोजन अगर जो एनिमल है उसके अंदर टेस्टिस है, तो टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करेगा, एंड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। आगे के लेक्चर्स में आपको बहुत डिटेल में समझ आ जाएगा ये। अभी मैंने आपको बताया कि मेल्स जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, गोनेड्स होते हैं, वो दो काम करते हैं, गैमेट प्रोड्यूस करते हैं उस सेक्स का, और हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उस सेक्स का। यानी कि अगर मेल
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, तो ये मेल गैमेट स्पर्म बनाएगा और मेल सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करेगा जैसे कि एंड्रोजन, और उसका मेन हार्मोन है, नीडलेस टू से आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, कि जो मेल मेन एंड्रोजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। तो अगर टेस्टिस होगा तो ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा और टेस्टो